नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को जूस में मिलाकर ड्रग्स दिया करती थी। जी हां, आपको पता होगा रिया चक्रवर्ती सौविक चक्रवर्ती के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए थे साफ साफ कि यही लोग सुशांत सिंह राजपूत को किसी चीज़ में मिलाकर और फिर ड्रग्स दिया करते थे। हालांकि आज तक ये बातें पूरी तरह से क्लियर ही नहीं हो पाई कि ये लोग ड्रग्स किस चीज़ में मिलाकर देते थे, लेकिन एक बात जो कि कांच की तरह बिल्कुल क्लियर है वो ये है कि ये लोग ज़रूर सुशांत को ड्रग्स दिया करते थे। हालांकि क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस की अभी भी जाँच चल रही है, ऐसे में NCB की टीम, CBI की टीम इस केस में कोई ना कोई भांडाफोड़ खुलासा तो जरूर ही करेंगे, हम सभी को पूरी उम्मीद है। लेकिन एक और बात जो कि सबको हैरान कर रही है वो ये है कि आने वाले दिनों में आप सभी देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को एक बार फिर से धर दबोचा जाएगा और उसके बाद इनसे सारा सच उगलवाने की कोशिश की जाएगी और पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या गुल खिलाया है। क्या सच में इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को किसी भी तरह से चोरी चुपके ड्रग्स देने की कोशिश की, या फिर मांजरा कुछ और ही है। आज नहीं तो कल हमें पूरा विश्वास है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो सुलझेगा और NCB CBI की टीम पूरी तरह से सच उगलवा कर रहेंगी ऐसे लोगों से जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत ही सातिर तरीके से और गंदे तरीके से इस कांड को अंजाम दिया है और ये सोच रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस कभी सुलझेगा ही नहीं। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।